गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मूल कॉन्सेप्ट का अपना नया लेक्चर। ठीक है, एक बार चेक कर लो भाई माइक सही का, है ना, क्योंकि फिर माइक खराब रहता ना, आवाज़ खराब आई, मुझे ऐसा फील हुआ कि माइक खराब है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, अगर मैं बोलूँ पिछले लेक्चर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आप एक चीज़ याद रख लो, यूनिट कन्वर्जन। सिग्निफिकेंट फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज एग्जाम्पल देंगे डोंट वरी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। राउंड ऑफ लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। राउंड ऑफ के दो चार रूल याद कर लो, एक रूल तो आपको याद ही होगा अभी भी, है ना। तो पिछले लेक्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यूनिट कन्वर्जन, वो भी प्रेशर वाली। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे काम आएगी भाई, अभी थर्ड चैप्टर जो हम लोग गैस स्टेट पढ़ेंगे वहाँ पे, तो संभाल के चलना है भाई अपने को। ठीक है, तो चीज़ें पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। होमवर्क मुझे याद है ना, होमवर्क मुझे याद है, मैंने आपको दिया है, आज ही डिस्कस होगा। ठीक है ना, लेकिन लेक्चर के लास्ट में, ओके। कुछ चीज़ें मुझे और बतानी है ना, इसके बाद मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, चलो तो ध्यान दो यहाँ पे, आ जाओ। चलो हेडिंग डालो सबसे पहले, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, कौन सा फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलते हैं, कि अगर नंबर आपको दिया है 4.03256, इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, हाँ जीरो भी होगा ना, जिसके मन में है कि सर जीरो होगा, हाँ जीरो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर बिटवीन द नंबर कोई जीरो है तो वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे मेरा एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है मेरा? मेरा है 336। ठीक है, अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर को क्या लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में? एस एफ। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है। आपको मान लो दे रखा है 4.000, अभी कितना है सर? अभी ये 1 2 3 3 है। मेरा एस एफ कितना है? 3 है। चलो नेक्स्ट, तो ध्यान दो यहाँ पे। नेक्स्ट मान लो आपको दे रखा है 4.56 × 10³। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है, ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है ऑल ऑफ दीज। कितना होगा इसका आंसर? 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 होगा। ओके, ठीक है, देखो ऑल ऑफ दीज हो सकता है कि मान लो कि ऑल ऑफ दीज को कभी करेक्ट बोल दी, क्योंकि बट अभी आप जानते हो मैं इसको कभी करेक्ट बोल सकता है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो मेरा, ऑल ऑफ दीज भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी के पॉइंट मान लो 3 नहीं है, मान लो 3 नहीं है, फिर इसका ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर ऑल ऑफ दीज हो तो फिर ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, अगर 3 ना हो तो, क्योंकि ज़्यादा करेक्ट 3 है, ज़्यादा करेक्ट 3 है। जैसे देखो यहाँ पे 4.560 × 10³, 1 2 3 4 अभी भी करेक्ट है, ये अभी भी वही लिखा है। अब मैं ऐसा लिखूं 4.560 × 10³, अभी भी वही लिखा है। ठीक है, बट ऑब्वियस ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ दीज हो, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट अभी 3 है, ज़्यादा परफेक्ट अभी 3 है, क्योंकि 3 ऑप्शन में दिया है, लेकिन ऑल ऑफ दीज कोई बोले तो गलत नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज बोले तो कोई गलत नहीं। चलो नेक्स्ट है, फोर इंटू 10³। ऑप्शन दिया है आपको ए 1, बी 2, सी 4 और डी ऑल ऑफ दीज। देखो इसमें ऑल ऑफ दीज ज़्यादा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज ज़्यादा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि खाली 4 लिखा है, तो इसको मैं ऑल ऑफ दीज मार्क करूंगा। देखो आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर में कोई बुराई नहीं है। ये भी 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आपके सामने लिखा है 400, तो क्वेश्चन तो बदलाव जरा, इसका एस एफ कितना होगा? 1। बिल्कुल अभी के लिए, अभी क्वेश्चन के बेस ऑन अभी इसका एस एफ 1 ही होगा। ठीक है, जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री टू, इसका एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बोलो? एस एफ कितना है इसका? सॉरी कितना है? वेरी गुड। ठीक है,
एक और इधर ही ले जाते हैं, ठीक है ना, जितने एग्जांपल हो सही उतने डील करेंगे, डोंट वरी। चलो, 0 0 32 अभी कितना है, अभी भी दो ही है, ठीक है ना, 0 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0 होंगे तो 0 को कोई मतलब नहीं होता, ये मैंने कल के रूल में लिखा दिया था, ठीक है। तो इसका SF कितना होगा, ठीक है। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की और किसकी, ध्यान दो, 3 × 10⁵ ऑप्शन ए, 2 ऑप्शन बी, 4 ऑप्शन सी, 2 and 4 बोथ ऑप्शन डी, NOT, नन ऑफ दीज, NOT मतलब नन ऑफ दीज, ऑप्शन क्या है, सी, 2 और 4 बोथ, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 नहीं दिया है तो 2 और 4 ज़्यादा करेक्ट हो, ठीक है, क्यों, एक्सप्लेनेशन देखो, सोल्यूशन देखो इसका, है ना, वो इतना बड़ा कौन लिखा है, इसलिए शॉर्ट में लिखो, 3.0, अभी 2 हुआ, अभी 3 हो गया, ठीक है, तो यही सोल्यूशन है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे 1.6700, अभी कितना है, अभी है 1 2 3 4 5, सब कितना है इसका, 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 × 3.5 × 10⁻², ठीक है, इसका कितना होगा, 1 2, तो मान लो ऑप्शन में दिया है ए 4 B 5 C 6 D, ऑल ऑफ दीज, अब ज़्यादा करेक्ट, ज़्यादा एक्यूरेट जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, क्यों, एक्चुअली 3 और 2 का जो होगा वो कितना होगा, 2 होना चाहिए ज़्यादा, मतलब अगर ज़्यादा और करेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं, तो 3.5 का ज़्यादा करेक्ट है कि सारे ही करेक्ट है, फिर 3.210 लगा दो तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 लगा दो 5 हो जाएगा, 1 और लगा दो 6 हो जाएगा, तो ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, फिर ऑल ऑफ दीज ही फिर रखो, ठीक है ना, कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, इसलिए बड़ा वैसे देखो फिर से बता रहे, अपने मनपसंद के हिसाब से इसका आंसर आता है, मैंने आपको लास्ट पॉइंट लिखाया भी था इसमें कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पॉसिबल हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है, ठीक है। बड़ा वैसे जो 3.5 लिखा है ये होगा आपका 0.00 करके होगा, ठीक है, तो इसके 4 और 5 ये भी पॉसिबल है बड़ा वैसे, लेकिन अगर कभी मान लो मुझे ऐसा दे दे, ऐसा ये 3.5 लिखा है, ओके, तो डेसिमल एक और शिफ्ट करो, 2.12 जीरो पॉइंट ये लिखा है, 1 2, अब दे दे और अब पूछ ले कितना होगा, अब बड़ा ऑब्वियस है कि इसका आंसर आपका जो सिग्निफिकेंट SF आएगा आपका 3 1 2 आएगा, ठीक है, तो इस बात पे बिल्कुल गौर किया जाए। एक और ले लो, 9 × 10⁶ कितना होगा इसका, 1, बड़ा ऑब्वियस है और वेरी कर सकते हैं, अब एग्जैक्ट नंबर जो होता है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, ठीक, ये और 0.35 0.035 0.035, लेकिन हाँ इसका 2 ही होगा, इसका वेरी कर सकता है कि उधर में पापर में उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट के एग्जांपल, अब देख लो राउंड ऑफ में हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, मैंने दे दिया था असाइनमेंट, सॉरी होमवर्क में मैंने दे दिया था, असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया, असाइनमेंट जो होगा पूरे टॉपिक का बेस ऑन होगा, जैसे एक बड़ा टॉपिक हो गया कोई मोल कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मोलारिटी हो गया, इन सब के बेस ऑन होगा, रेगुलर होमवर्क जो होंगे वो छोटे छोटे टॉपिक के बेस ऑन, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, जरूर कतई नहीं है। चलिए हेडिंग डाल लो राउंड ऑफ, रूल्स है कुछ, 1 2 4 रूल्स है जो आप याद कर लो तो हो जाएगा, आपको सबको याद ही है यार, ये सुन लो, सिर्फ हेडिंग डाल लो RO event राउंड ऑफ। तो रूल्स क्या है, पहला रूल बोलता है, देखो पहला रूल, अगर नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो बाजू वाले को उठा के 1 दे दो, 5 या 5 से ज़्यादा है तो बाजू वाले को उठा के 1 दे दो, इफ नंबर is greater than
देन फाइव ग्रेटर देन फाइव देन गिव वन नेवर नंबर नेवर नेबरिंग नंबर ठीक है उनको क्या दे दो बाजू बाजू वन गिव वन नेबरिंग नंबर को दे दे बस है ना। अभी थोड़ी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जोन में है ना, वो मैं समझता हूँ, सीखने को ट्राई कर रहे हो अरे नहीं तो कल सीख जाएंगे ठीक है। चलिए एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल क्या बोल रहा है, मान लो आपको दिया है ध्यान रहे यहाँ पे 56.75 ठीक है और उसमें आपको बोला है राउंड ऑफ थ्री एस एफ मतलब क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, फिर से बता रहा हूँ एस एफ मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे देखो ध्यान रहे यहाँ पे ए एन एस आंसर आंसर पाँच या पाँच से बड़ा हो इफ नंबर इज ग्रेटर देन फाइव अच्छा इक्वल टू नहीं लिखाना ओके ग्रेटर देन और इक्वल ना सॉरी नहीं लिखा इक्वल टू और इक्वल टू फाइव देन क्या करना है बाजू वाले को एक दे देना क्या हो जाएगा 56.8 ठीक है सही बात है बहुत बढ़िया से आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो इसी प्राउड ऑफ में 56.9 साथ है इसमें व्याधि थोड़ा स्पेशल टाइप है 7.4 अब बोलो चार क्या है पाँच से बड़ा है सर चार पाँच से कब बड़ा होने लगा यस और नो चार तो पाँच से छोटा होता है हाँ यहाँ की ना कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 56.7 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है ठीक है ना इसका भी 3SF है ओके थ्री सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ओके। चलिए तो पहले एग्जांपल देन रूल मतलब क्या है देखो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा कुछ दे रहे 56.94 मान लो इसको राउंड ऑफ करना है राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है टू सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बोलो सर ये हो जाएगा तो एक इसको दे देगा ये 58 बिल्कुल सही कोई लॉजिक नहीं मतलब कोई कठिनाई नहीं है ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए देखो मुझे उसी नंबर से मतलब है जिस जस्ट वही नंबर मुझे चाहिए जिसके पहले से मुझे राउंड ऑफ करना है जिसके पहले से मुझे राउंड ऑफ करना है याद रखना मुझे उसी नंबर से मतलब है जिसके पहले से मुझे राउंड ऑफ करना है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 57.998 अब मुझे मान लो इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है थ्री एस एफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर ओके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा देखो ये नाइन है मुझे इससे मतलब ही नहीं देखो तीन सिग्निफिकेंट फिगर ये होंगे यस और नो तो यहाँ पे जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 579 तीन सिग्निफिकेंट फिगर यस और नो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा 57 और 9.98 भी सिग्निफिकेंट फिगर लेकिन मुझे वहाँ तक जाना नहीं राउंड ऑफ करना है थ्री तक ये हो गए। अब बताओ इसके जस्ट बाजू वाला नंबर क्या है बाजू वाला नंबर है पाँच से बड़ा नौ होता है पाँच से बड़ा एक ये इसको देगा तो ये बनेगा क्या दस बनेगा तो एक इसको देगा तो नौ नहीं बचेगा ये जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 57 का 58.0 हो गया ना 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ठीक है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक ओके। एक और एग्जाम्पल देखो तो हाँ फिर सिमिलर एग्जांपल देखो 59.9888 मुझे चाहिए फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या चाहिए मुझे राउंड ऑफ फोर सिग्निफिकेंट फिगर फोर एस एफ मतलब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर एसएफ मतलब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर फिगर चलिए तो फोर क्या है एक दो तीन और चार
अब बताओ नौ जो है क्या है, आठ को मतलब ही नहीं है मेरे को, आठ को पढ़ रहे, मेरे लिए आठ किसी काम का नहीं है, मुझे नौ से मतलब है, मेरे लिए नौ क्या है, पाँच से बड़ा है, ये इसको एक देगा तो दस बनेगा, अब दस ये इसको देगा तो ये बन जाएगा आपका 5.96 हो गया, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर आपको कहाँ अप्लाई कर देना है, कहीं भी मुंह उठा के अप्लाई नहीं कर देना है। तो फिर कहाँ अप्लाई करना है सर, अप्लाई करो लास्ट में, अप्लाई करो लास्ट में जब फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग अपनी केमिस्ट्री कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, फिर स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं केमिस्ट्री के एक्चुअल पार्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम पास हो। नेक्स्ट देखो, मान लो आपको दिया 9987.32, मुझे चाहिए फोर सिग्निफिकेंट फिगर, 4SF तक, तो क्या हो जाएगा 9873। मान लो मुझे चाहिए 3SF तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो जाएगा 987, ठीक है, ऐसे। अब ठीक है कोई नहीं, बस इतना छोड़ दो, ठीक है ना, चलो तो लिख लो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट। एक ही रूल है भाई इसका कि अगर कोई नंबर पाँच या पाँच से बड़ा हो, पाँच हो या पाँच से बड़ा हो, अगर मुझे लगाते समय वो नंबर मेरा जस्ट पिछला नंबर हो, जहाँ तक मुझे राउंड ऑफ करना है उसके बाद का वो जस्ट पिछला नंबर हो, तो मैं उसको बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ वहाँ से भगा सकता हूँ, ठीक है, बस एक बाजू वाले को वन देने के बाद। ओके, ये हो गया आपका राउंड ऑफ वाला टॉपिक भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं अपनी एक्चुअल केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट में, हेडिंग डाल लो व्हाट इज द केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री क्या है, बट ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़ रहे डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन तो पढ़नी पड़ेगी ना सर, केमिस्ट्री है क्या। पहली डेफिनेशन, मेरी एक भी डेफिनेशन नहीं है, मैं अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं दिया, एक दिन जरूर दूंगा, टेंशन मतलब। चलो हेडिंग डाल लो व्हाट इज द केमिस्ट्री, चलिए हेडिंग डाल लो व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री वो बोलते हैं ना कि इसकी इसके साथ मेरी केमिस्ट्री नहीं जमती है ना, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो होती है उसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं केमिस्ट्री में। एक सेकंड भाई, तू मतलब परेशान कर ली, तू क्या मेरे को बोल रहा है यार, परेशान कर दिया ये, सुनो केमिस्ट्री जो होती है उसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या। अगर केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड में क्या क्या पढ़ेंगे, एनी कंपाउंड हो, स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूल एलिमेंट हो, कुछ की कुछ भी चीज़ है उसमें कुछ भी उठाएंगे। अगर मान लो मैंने ये उठाया, अब मैं इसकी केमिस्ट्री जानना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बारे में चार चीज़ जाननी पड़ेगी, क्या, तेरा स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लेवल में, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लेवल में, तेरी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ योर प्रॉपर्टी, अच्छा आपको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बनाऊंगा कैसे, और आप दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करोगे। मान लो मेरी केमिस्ट्री जानना चाहते हो, मेरी केमिस्ट्री जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, मेरा स्ट्रक्चर जानो आप पहले, कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड पॉइंट, मेरे बारे में क्या जानोगे, मेरा स्ट्रक्चर, मेरी प्रिपरेशन क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस में जाऊँगा तो जल जाऊँगा, मर जाऊंगा, मैं एक समय के बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, यस है मेरी प्रॉपर्टी, भले चाहे लोगों को बुरा लगता है लेकिन है तो प्रॉपर्टी। मेरे बाल हैं, मैं बोल सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं थिंक कर सकता हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ, मैं खुद चीज़ें सोच सकता हूँ, AI जैसा नहीं है कि वो जब तक मैं ना बोलूँ तब तक नहीं सोचे, है ना, कोई भी रोबोट हो गया तो जब तक आप उसको एक कोडिंग नहीं करोगे तब तक नहीं होगा ना, यस और नो, तो ये ह्यूमन की प्रॉपर्टी होगी, आपकी है, मेरी है, यस और नो। और मैं दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करता हूँ, मतलब मेरे अदर पर्सन के साथ मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो दोस्त के साथ अच्छे से, मेरे जो दुश्मन है बुरे साथ, जो मेरे दुश्मन तो कोई नहीं, सब मेरे दोस्त ही हैं, उनके साथ, स्टूडेंट के साथ कैसे, मॉम डैड के साथ कैसे, है ना, मॉम डैड के साथ कैसे, मम्मी पापा के साथ कैसे, तो ये मेरी प्रॉपर्टी होगी। तो वैसे ही अगर मैं केमिस्ट्री स्टडी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ फोर थिंग्स, किसी भी चीज़ की चार चीज़ स्टडी करनी है, ठीक है, समझा, तो लिखते हैं, केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ व्हाट, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, जो मन करे लिख दो, प्रिपरेशन फर्स्ट प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज, फिर
प्रॉपर्टीज, फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लेवल में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, फिर उसका अदर एलिमेंट के साथ, अदर आइटम के साथ रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट। तो याद रखना, जब भी आप जाओगे कि इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी आप जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में, मान लो मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ B2H6 है ना, डाइबोरेन, इसका स्ट्रक्चर B2H6 लिखता हूँ, इसके बारे में मुझे तीन चीज, चार चीज़ जाननी है। अच्छा, तेरी तू प्रिपेयर कैसे होते हो? ओके, अच्छा प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है ना, प्रॉपर्टी मतलब कि आपके हाइड्रोजन कैसे प्लेनर है ना, B2H6 हाइड्रोजन प्लेनर है कि नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, अच्छा आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या क्या जान लेना है कि बाउंड लेंथ कैसी है, स्ट्रक्चर बन गया ऐसे नहीं, बाउंड लेंथ कैसी है, बाउंड एंगल कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, ये सब स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ आ सकती है ना। अच्छा, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट, वही हो गई केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होगी। जैसे मेरे बारे में आपको जानना है तो इस चार चार चीज़ें जान जाओ, ये सब तो हो गई मेरी पूरी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी केमिस्ट्री। एक और रिएक्शन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रोलांड हॉफमैन ने दिया था, है ना, मैंने नहीं दिया था, उन्होंने बोला था केमिस्ट्री इज नॉट अ स्टडी ऑफ, इज अ नॉट अ स्टडी ऑफ 100 एलिमेंट, 100 आइटम्स या फिर एलिमेंट, है ना। वो जनरली 100 है, 118 हो गया बात अलग है, लेकिन हाँ एक्चुअल में तो 100 है, 100 एलिमेंट। केमिस्ट्री इज नॉट अ स्टडी ऑफ 100, फिर क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज अ स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स that form by 100 element। बड़ा वैसे भाई बहुत लॉजिकल है कि हम लोग को, अगर मान लो किसी को केमिस्ट्री पढ़नी होती, बोल दे कि सिर्फ 100 एलिमेंट पढ़ लो, बड़ा वैसे कि बहुत टाइम लगता 100 एलिमेंट के बारे में पढ़ने में, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने में बहुत टाइम लगता, लेकिन सिर्फ 100 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, नहीं 100 एलिमेंट के बारे में कहाँ पढ़ना है, 100 एलिमेंट के नहीं, उनसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, मिलियंस तो मैंने बहुत कम बोल दिया, इनफाइनाइट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिलियन हो सकता है मेरे लिए गलत हो, इनफाइनाइट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्टडी मालूम ही नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स, नए नए रोज मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं भाई हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे सिर्फ इतने पढ़ने में बोर है, साइंटिस्ट लोग रोज नए मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, बड़ा भी से निकाल ही नहीं भाई, उसमें बुरी बात क्या है, निकाल रहे हैं, निकालेंगे वो लोग, ठीक है। और दो डेफिनेशन हो गई, ये तो रोलांड दिए थे, जनरली दोनों ही एनसीईआरटी की लिखी हुई है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लिखे क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे लगता नहीं कि रट्टा मारने की जरूरत है, मतलब यही था, सार यही है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई इसकी बातें, है ना, तो इसको लिख लो क्योंकि मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ और चीज़ों में, लिख लो इसको। अब मेरी आपसे एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपको एलिमेंट याद होना चाहिए, कहाँ तक, 30 तक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, ये मेरी प्री रिक्वेस्ट है। मैं अभी लिखा देता हूँ, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं 30 तक एलिमेंट लिखा दूँ, इसके बाद का आपको याद करना ही है, ठीक है, 30 तक आपको याद होना चाहिए, बस ये मेरी आपसे प्री रिक्वेस्ट है। प्लीज़ अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरी बात 1% सुनते हो, तो आपको 30 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, आपको नेट में कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं पे लिखा देता हूँ 10 मिनट 2 मिनट लेके, ठीक है, तो आपको 30 तक याद होना चाहिए। चलो इरेज करें, प्लीज़ 30 तक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक मास और ये सब को बात की बात है, ये सब बात की बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास वैसे भी सबका याद नहीं करना पड़ता यार, क्योंकि सबका एटॉमिक मास वेरी करता है, सिर्फ एक क्लोरीन का याद करना होता है, और दो चार इधर उधर अगर याद हो जाए तो बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे आयरन का याद कर लो 56 होता है, दो चार का इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कार्बन का याद कर लो 14 होता है, ऐसे कुछ। तो एलिमेंट अप टू 30। फिर से एक मेरी प्री रिक्वेस्ट है, ये बात मानना है आपको कि ये 30 तक एलिमेंट आपको कोई ट्रिक से याद नहीं करना है, कोई ट्रिक से याद नहीं करना है, ऐसा कि मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉपर कौन से नंबर पे था, अच्छा कॉपर, ओके ठीक है। सर जिंक कौन से नंबर पे था, अच्छा जिंक, आयरन, ओके जिंक, ठीक है। सर आयरन कौन से नंबर पे आता है, अच्छा ठीक है ओके, ऐसे करके फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो मेरी प्री रिक्वेस्ट है, मैं आपसे पूछूं कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है, मैं आपसे पूछूं क्लोरीन कौन से नंबर, सल्फर कौन से नंबर पे आता है
है ना, तो आपको ये ऐसा याद होना चाहिए, 30 तक ही बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 30 तक बोल रहे हैं, प्लीज़ 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 याद होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बहुत पीटूंगा, ऑनलाइन पीटूंगा, याद रखना है ना, बिल्कुल भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा अगर 30 तक नहीं याद किया तो। एलिमेंट अप टू 30, चलो यहाँ पे देखते हो सिम्बॉल के साथ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो सिम्बॉल एंड देयर नेम, फिर आगे वहाँ भी अगर 30 तक नीचे नहीं पूछा तो लिखते जाएंगे, ठीक है ना, सिंबल एंड देयर नेम। तो सबसे पहले सिंबल हाइड्रोजन, बहुत फेमस भाई है ना, हाइड्रोजन ना होता तो शायद कुछ ना होता दुनिया में, हाइड्रोजन इनका नाम क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। देन इसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या आता है आपका, हीलियम, हीलियम आपकी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस क्या होती है भूल जाओ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ, एक कान से निकालते जाओ, हीलियम, हीलियम, हीलियम आपकी इनर्ट गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Li, लिथियम, मैं नंबर वाइज ही लिख रहा हूँ, मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ, ये वन है, ये टू है आपका, ये थ्री है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Li, THi, UM, लिथियम। सिंबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, सिंबल मोर देन इंपॉर्टेंट नेम, ओके। फोर्थ बेरेलियम, बेरेलियम, ठीक है, सॉरी BE, बेरेलियम, बेरेलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरेलियम। पांचवा बोरॉन, बोरॉन दैट इज कैपिटल B, बोरॉन, ठीक है। सिक्स कार्बन, कार्बन आप सब जानते हो, कार्बन, कार्बन का फेमस अलग ट्रॉप से कौन सा भाई, डायमंड, हीरा, जो सबकी पहचान होता है ना, हर कोई चाहता है उसके पास डायमंड हो, है ना, डायमंड हर कोई चाह रखता है, ठीक है, चलिए। डायमंड आप कोयले से बना सकते हो, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे बनता है, कितनी एनर्जी लगती है, ठीक है ना। चलिए सिंबल के बाद क्या है, मतलब कार्बन के बाद क्या है आपका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, एन, एन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइन आपका फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो पहली बार सुन रहा है तो उनको बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इतनी ज़्यादा पावर उसके पास है कि वो इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब क्या होता है, जो इनर्ट हो, जो किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करे, या सुनो कॉलेज में अगर आपको कोई फ्रेंड है वो मान लो क्या करता है, कोई पार्टिसिपेट मतलब कोई फंक्शन में, किसी में, गाने में, संगीत, कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट है, वो इनर्ट है, जीरो है, जीरो वाला पर्सन है, बिल्कुल अकेला रहता है, या सुनो बिल्कुल अकेला रहता है। वैसे ही फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि वो जीनॉन मतलब इनर्ट गैस एलिमेंट को मजबूर कर देता है इलेक्ट्रॉन देने को, मजबूर कर देता है जीनॉन को भी इलेक्ट्रॉन देने में, ठीक है। फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइन्थ के बाद टेंथ आता है आपका नियॉन, नियॉन भी क्या है आपकी, नियॉन जो है आपकी कौन सी गैस है, इनर्ट गैस है, याद रखना है नियॉन, 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 इलेवन, ठीक है, इलेवन, सोडियम, सोडियम, एन ए, सोडियम, सब जानते हैं कि सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम और पोटेशियम, अगर थोड़ा थोड़ा सिर्फ सुनते जाओ, जो याद, जो देखो जो रिपीटर नहीं है तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ, सोडियम होता है, सोडियम जो है वो आपका एल, आपका उसमें सीरीज में मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, कौन सा, पोटेशियम देन सोडियम, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पोटेश सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखते हैं, ना कि एयर में नहीं रख सकते, पानी में नहीं डाल सकते, नहीं तो आग लग जाएगी, है ना, सोडियम और पोटेशियम को पानी में नहीं डाल सकते, है ना। चलिए ट्वेल्थ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, क्या कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ओके। 14 है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्या है इसका, Si, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फिर 15 है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। 15 के बाद 16 है आपका सल्फर,
एक्चुअली सल्फर का एक और नाम है गंधक, है ना। हम लोग ने बहुत पहले हिंदी में सल्फर को गंधक बोलते हैं, हिंदी में, ठीक है ना। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक। आपको याद नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, नो नीड टू एनीथिंग। जो आप जो याद करना है वो याद कर लो बस। मुझे मालूम कि बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरे लिखने से तो याद कर लो आप लोग। यह सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, सीएल, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना। 18 AR, आर्गन। आर्गन भी आपकी क्या है? इनर्ट गैस है। क्या है आपकी? इनर्ट गैस है। आर्गन भी क्या है आपकी? इनर्ट गैस है। ओके, तो याद रखना, नहीं याद रखना छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मत याद रखो। ऑर्गन, ऑर्गन, ठीक है, आर्गन। ओके चल, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। मैंने बोला ना पोटेशियम, भी हम लोग की बात हुई ना इसकी, यस और नो? पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव, पूरे पीरियोडिक, पूरे एलिमेंट में, मतलब पूरे मेटल में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, ये मतलब पोटेशियम एकाइट नहीं है। पोटेशियम, सी ए मतलब कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों में होता है, ठीक है ना। कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। एस सी, स्कैंडियम, डी ब्लॉक का पहला मेंबर है, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का पहला मेंबर है स्कैंडियम, स्कैंडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टी आई, टाइटेनियम, वेनेडियम, डियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमेनियम। क्रोमेनियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, आपने अगर जो फाउंडेशन पढ़ा होगा, जो फाउंडेशन पढ़ते होंगे उनको मालूम है, क्रोमेनियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, क्रोमेनियम की सबसे पहला एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो सुन रहा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो नो नीड, लेकिन हाँ मेरी आदत है कि मैं चीज़ें रिकलेक्ट करा देता हूँ। जो मान लो मुझे देखो यूट्यूब में लेक्चर ही अपलोड होगा, मुझे मालूम है कि आप लोग जो देखोगे तो बीच में ही देखोगे, यस और नो? पढ़ के कुछ ना कुछ तो देखोगे, तो चीज़ें रिकलेक्ट हो जाएंगी मेरे हिसाब से। क्रोमेनियम, क्रोमेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमेनियम, मैग्नीज, Mn, ठीक है, मैग्नीज, 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 फिर आयरन, लोहा, है ना। ये है आपका 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आयरन, लोहा, ठीक है, आयरन, हाँ आयरन। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको देख लो कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, कितना होता है? लोहा, दैट इज आयरन। आयरन लिखते हैं, एफ ही नहीं लिखते, आयरन लिखते हैं, ठीक है, चलो आयरन। कोबाल्ट, सी ओ, 27, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है ना, याद रखना। कोबाल्ट का कितना होता है? 27, आयरन, कोबाल्ट। निकेल, निकिल, 28, निकिल, निकिल। कॉपर, सी यू, कॉपर, 29, कॉपर, कॉपर, ठीक है। लास्ट है आपका जिंक, 30, जेडन, 30, जिंक, जिंक, ठीक है। तो ये टोटल क्या होगा आपके, उनके नाम और सिंबल। अभी नहीं याद करना ना मुझे, अभी मैंने आपको बोला ना, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपको किसका एटॉमिक मास याद है, किसका एटॉमिक नंबर याद है, मुझे उसका स्ट्रेस देना ही नहीं है। पहले आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, सिंबल और बिल्कुल रूल वाइज, बिल्कुल रूल वाइज उनका नाम। अगर मैं आपसे पूछूं, सपने में ही पूछूं, सपने में आके पूछूं मैं आपसे कि सर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब आइटम का नंबर, कौन से नंबर पे आ रहे हैं, कौन से नंबर पे आ रहा है भाई अपना क्रोमेनियम, सर 24 आ रहा है, ठीक है, इतना चाहिए मुझे बस। सर क्लोरीन कौन से नंबर पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है, ठीक है, सॉरी क्लोरीन 17 पे आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि सर नियॉन कौन से नंबर पे आ रहा है, सर वो तो नियॉन 10 नंबर पे आ रहा है। सर आर्गन कौन से नंबर पे है, सर आर्गन 18 पे आ रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे चाहिए बस। सोते हुए पूछूं, अगर आप सो रहे हो और उतनी समय भी आके पूछूं तो आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा मुझे चाहिए। अभी मैं एटॉमिक मास के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। एक चीज़ याद करो, जिसको दोनों ही याद है तो वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन हाँ नहीं याद है तो प्लीज़ याद करो। चलो इरेज कर रहा हूँ, चले आगे आ जाओ। ये हो गया आपका एलिमेंट, 30 तक तो याद होना चाहिए भाई, जेई वाले प्रिपेयर करने वाले हो, जिसको पूरा 40 तक याद है तो आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना, 40 तक याद कर सकते, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे लगता नहीं, लेकिन जो पढ़ा है भाई, जिनकी मेमोरी पावर काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं उनसे खुद ज़्यादा बहुत प्रभावित रहता हूँ। मेरी इतनी मेमोरी अच्छी स्ट्रांग नहीं है, है ना, मेरी इतना स्ट्रांग नहीं है,
जिसका स्ट्रांग है, बहुत सारे लोगों को पूरा ही याद रहता है यार, तो आई एम प्राउड ऑफ यू और वेरी गुड। तो ये तो हो गया भाई अपना डिस्कस, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा समझते हैं आपका कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपने बचपन से पढ़ी है। आ जाओ समझते हैं। तो कुछ टर्म है जो आपके सामने आ रहे हैं, एटम। एटम होता क्या है, है ना? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आपको याद हो तो डाल्टन सर ने क्या बोला था कि जो आइटम होता है, आइटम ही क्या है, आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन डाल्टन की बहुत सारी थ्योरी गलत हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। आप ये सब जानते हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये जानते ही होंगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है ना, बहुत पहले हो चुके हैं। जे जे थॉमसन सर ने डिस्कवरी कर दी है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना सारा आपको पढ़ना पड़ रहा है और मैं पढ़ाने के चक्कर में आपसे मिल पा रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। चलो, तो जो आइटम होता है, आइटम क्या है, आइटम मतलब कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल होता है उसी को आइटम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी आइटम होगा कहाँ, एलिमेंट के अंदर होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि भाई ये मेरा गोल्ड है, सोना है, क्या बात करूँ सर, सोना कहाँ है, गोल्ड। गोल्ड को ए यू से दिखाते हैं, ठीक है। गोल्ड क्या है आपका, ए यू है, क्या है आपका, ए यू, यू ए यू, क्या है आपका, ये गोल्ड है, ठीक है, ओके। मान लो ये क्या है, मेरा गोल्ड का एक क्या है, एलिमेंट है। इसके अंदर जो आइटम होंगे क्या, हर जगह गोल्ड के छोटे 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 आइटम होंगे, और इस आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इस आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ, इस आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लो गोल्ड है, इसमें छोटे 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 आइटम होंगे, ऐसे ऐसे छोटे 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 आइटम होंगे, ओके, छोटू छोटू आइटम होंगे, बहुत सारे आइटम होंगे। एक आइटम नहीं होगा, बहुत सारे, एक एलिमेंट लोगे तो उसमें अरबों खरबों आइटम होंगे। इतने आइटम आप देख नहीं सकते, आइटम को भी नहीं देख सकते आप नेकेड आई से, या सब इसके अंदर बहुत सारे आइटम होंगे। आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अभी नहीं, क्योंकि आइटम के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं। लेकिन सुन लो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने क्या बोले थे डाल्टन सर ने, कि जो आइटम होता है वो किससे मिलकर बनता, आइटम क्या है, स्मॉलेस्ट है, आइटम क्या है, स्मॉलेस्ट है, आइटम से ज़्यादा छोटा कोई नहीं है, ऐसा किन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला ऐसा, ऐसा किसने बोला था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन सर ने बोला था, ठीक है। वो जॉन डाल्टन नहीं, अरोज करके आता है ना, एक शो आता है अगर आप लोग कभी देखे होगे, जिसमें चार चोर रहते हैं, जिसमें से एक डाल्टन करके होता है, डाल्टन ब्रदर करके नाम है उसका, वो वाला नहीं, वो तो चारे को चारों चोर थे, ठीक है। वैसे तो ये डाल्टन भी चोर है, आप बात करो सर, जिसने थेरी दी वो चोर है, हाँ। ये सब अपने देखो, हम लोग यार, हम लोग के इधर जब कोई चमत्कार कोई करता है ना, मतलब मैं तो अपने धर्म को बहुत फॉलो करता हूँ, है ना, बड़ा विषय। तो बड़ा विषय हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो लोग चमत्कार जो है झूठा है। आपके दिमाग में भी ऐसा बैठ चुका है, अगर आप किसी बाबा को चमत्कार करते हुए देखोगे, किसी भी बाबा को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वो, तो आपको लगेगा कि वो ढोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके मन में ऐसा बैठ चुका है, आपके मन में ऐसा बैठ चुका। गाँव में वालों पे तो नहीं है, जो गांव के होते हैं बहुत अच्छे होते हैं ना, वो लोग जरूर चीज़ें करते हैं, लेकिन हम लोग के मन में ऐसा बैठ चुका है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, है ना। चलो आ जाओ, कोई नहीं, छोड़ो, आप लोग उन सब चक्कर में क्यों पड़े। आइटम क्या होता है आपका, आइटम है जो सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नहीं है, ठीक है ना, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पार्टिकल विच प्रेजेंट इनसाइड द, इनसाइड द आइटम। आइटम के अंदर भी फर्दर क्या होता है, आइटम के अंदर भी फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन आइटम के बाहर होता है, मतलब आइटम के ऐसे पेरिफेरी में घूमता है, ठीक है। पिज्जा हो गया तो पिज्जा के बाहर क्या हो गया, वो हो गया आपका, और अंदर जो है आपका जो वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं पिज्जा के अंदर, कुछ तो डालते हैं, ठीक है, ये आइटम हो गया। अब बात करते हैं आपका मॉलिक्यूल्स की, या फिर एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ आइटम। अगर मैं एलिमेंट लिखूं, एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट कैसे बनेगा, मान लो गोल्ड का आइटम एक यहाँ है, एक गोल्ड का आइटम यहाँ है, एक गोल्ड, मान लो गोल्ड का आइटम एक यहाँ है, एक गोल्ड का आइटम यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ, तो सारे आइटम बनेंगे। आ जा चल, दोनों कंबाइन होकर दूर दूर ऐसे हैं, कोई आके मार के लेके चला जाएगा। गोल्ड का आइटम क्या बोलेंगे, देखो गोल्ड का आइटम ऐसा बोलेगा, इस वाले गोल्ड को फोन करेगा, जो उधर रखा ना फोन करेगा, हेलो तू भी गोल्ड है ना, हाँ मैं भी गोल्ड हूँ, एक काम कर आ जा मेरे पास आ जा, नहीं तो कोई मार के लेके चला जाएगा, फिर रोना नहीं, साथ में रहेंगे, है ना, तो कंबाइन रहेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो कोई मार के चला जाएगा। वो आइटम समझदार है, वो वाला गोल्ड का आइटम समझ बोलेगा ठीक है आ जाता हूँ, वो वाला भी समझदार है वो भी आ जाएगा, तो क्या होगा, सारे आइटम कंबाइन करके क्या बनाने के, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ आइटम, क्या है, एलिमेंट इज अ, एलिमेंट
इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम। ठीक है, चलो एलिमेंट आइटम। इसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल्स है। एलिमेंट को आप देख सकते हो नेकेड आई से, आप एलिमेंट को देख सकते हो, गोल्ड एलिमेंट देख ही सकते हो भाई, ये सब है ना। तो एलिमेंट को आप देखा जा सकता है, आइटम को देखा नहीं जा सकता। मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है देखो मॉलिक्यूल्स है, डेफिनेशन लिखते हैं फिर लिखते ही समझ जाओगे। व्हेन टू और मोर सेम और डिफरेंट, टू और मोर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट या फिर आइटम, जो मन करे लिख दो एलिमेंट, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2, I2, Cl2, O2, H2O। सर H2O कैसे होगा, H2O तो कंपाउंड होगा। नहीं, डेफिनेशन देखो when two or more सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। हो गया सेम, ये रहा डिफरेंट। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, H2SO4 ले लो, MgCl ले लो, जो ले लो MgO ले लो, जो ले लो Al2O3 ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सब क्या है आपके मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा है, मॉलिक्यूल सब कुछ है, कंपाउंड एक उसका पार्ट है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन भी लिखते हैं आ जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया ताकि मैं डेफिनेशन वाला पार्ट एक जगह पे लिख दूँ। ठीक है ना, अब देखो तो फिर बात करते हैं कंपाउंड की, COMPOUND कंपाउंड क्या है आपका। When two or more दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी when two or more different types। अब इसमें सिर्फ क्या है, different होना चाहिए, different types of element combine to form compound, when two or more different types of element combine to form compound। ठीक है, इसमें नोट करने वाली क्या बात है आप खुद बताओ। all compounds are molecules है ना, नोट करने वाली क्या बात है, नोट लिख लो। बिल्कुल, मैंने बोला था मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो टेंशन मत लो। जो जिसने फाउंडेशन नहीं पढ़ा होगा ना, मतलब एक कोर्स होता है यार, जो कुछ लोग होते हैं जो बचपन से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, अच्छी बात है। मैं भी बहुत जल्दी बचपन से स्टार्ट करने वाला प्रिपरेशन लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सोचता हूँ बचपन में इंजॉय करने दो बच्चों को, लेकिन इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन है ना भाई, इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन है कि मतलब आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जॉब में हो रही बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है ना। जैसे देखो आप खुद सोचो, जॉब में होगी प्रॉब्लम तो क्या होगा, पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरे बच्चे को जॉब मिलती ही मिलती जाए, तो बचपन से उसके पीछे पड़ जाता है कि जेई करूँ कर। और बड़ा भी से भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन है, नीट आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे छोटे भाई, मेरे बड़े, मेरे दोस्त होंगे ऐसा कि जो बेचारे पता नहीं नीट कब से रिपीट करे, 25 साल तक नीट रिपीटर है। तो हो सकता है ऐसा कोई जो हो 25 साल से नीट रिपीट कर रहा हो अभी, हो सकता है। बट अभी समझने की जरूरत यह है, देखो अगर आप रिपीट कर रहे हो तो समझने की जरूरत यह है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। गलती आप यहाँ पे कर रहे हो कि आप पी वाई क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले रहे हो, आप पी वाई क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, बहुत लाइटली ले रहे हो। आप दुनिया की सारी बुक सॉल्व कर लो, जब तक आप पी वाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते दो से तीन बार तब तक आपका सिलेक्शन हो पाना थोड़ा मुश्किल है, या फिर कहूँ तो ना के बराबर ही। आपका पी वाई क्वेश्चन आपका वहाँ पे ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जैसे ब्रह्मास्त्र मारो दुश्मन मर ही जाता था, याद करो जो कर्ण को है ना, उसमें महाभारत में कर्ण को जो एक मिला था ना, अमोघ शक्ति मिली थी, आपका पी वाई क्वेश्चन वही है। उसको छोड़ के मारो तो अर्जुन भी मर जाता, फिक्स है। भगवान कृष्ण बचा लेते अलग बात है, लेकिन हाँ मर तो जाता, हो सकता है मर जाता, पता नहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ। तो वही क्या है आपका, वही आपका क्या है पी वाई क्वेश्चन, आपका अमोघ बाण है जो इंद्र से मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट, जिसने नोट नहीं बनाया वो बाद में रिवाइज क्या करोगे। मैं नोट को कंपेयर करता हूँ बैंक में रखे हुए नोट से,
मैं नोट्स, ये जो मैं सब लिखा रहा हूँ वो टाइम पास के लिए थोड़ी लिखाते हैं सर, मैं लिखा हूँ या अदर कोई सर लिखा है, कोई बोले टाइम पास के लिए थोड़ी नहीं बोलते हैं। जो सर बोलते हैं, जो लिखाते हैं, वो क्या करते हैं, इसलिए कि आप लोग लिखो, क्योंकि नोट्स बैंक में रखे हुए नोट्स जैसे ही होते हैं। अगर आप बैंक में कोई पैसे रखे हैं, आपके मम्मी पापा, आप खुद रखे हो मान लो, तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो वैसे ही अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको फ्यूचर में काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप मेरी बात आई थिंक मानेंगे कि अगर आप लोग का इतना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना, आप जेई में अगर आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रीज़न क्या है कि आपने पी वाई क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया है। पी वाई क्वेश्चन के एक बार में सॉल्व करने मज़ा नहीं आएगा, दो बार सॉल्व करो, दो बार, दो बार कोई भी बुक, एक पतली बुक लो लेकिन दो बार सॉल्व करो और देख लो इस बार आप सिलेक्ट हो जाते हो फिक्स। इतनी मेहनत कर लो सिलेक्ट हो जाओगे। चल नोट, नोट क्या बोलता है आपका, ऑल कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। सभी कंपाउंड्स क्या होंगे भाई, मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ कंपाउंड, बट ऑल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ कंपाउंड, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपके एलिमेंट, हो गया आइटम क्या है, ये क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, आगे चल के आएगी सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक चैप्टर है आपका बारहवीं में, फिर से आ जाएगी। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी में दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। मैं अगर डिस्कस ना करूं तो जो जिन्होंने बुक बनाया है उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, है ना। तो मैं उनके साथ, उनके सम्मान के लिए मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, लास्ट में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हेडिंग ये ले लो, इसके बाद फिर मिक्सचर आ जाएंगे, मतलब सब अब अगर दो चीज़ को मिक्स करते हो तो क्या क्या बन सकता है, है ना। अगर आप दो चीज़ को किसी को मिक्स, दो या तीन चीज़ को अगर आप मिक्स करोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है मिक्सर प्योर हो जाए, है ना। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को बोल सकते हो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। चलिए तो हेडिंग डाल दो क्या आपका, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉलिड, ज़्यादा नहीं, दो दो ही चार देखिए, टेंशन मतलब दो और चार, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लिख लें, यहाँ पे सॉलिड, और यहाँ पे लिख लो आप सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड एल आई क्यू यू आई डी लिक्विड, और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी गैस। पहले समझेंगे डायग्राम, पहले समझेंगे डायग्राम में, ज़्यादा दे दिया भाई किसको, दोनों को, गैस बेचारा दब के रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस को मैं दबा दूँ ना, कि गैस को आप दबा के छोटा भी कर सकते हो ना। अरे हाँ यार ना, बोलो तो सही, बोल दो तो सही। चलो ये लो, ठीक है ना, ये हो गया आपका गैस। पहले समझते हैं कैसे होते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी सॉलिड किससे मिलकर बनता है, छोटे 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 मॉलिक्यूल से। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने टाइटली बाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये एक सॉलिड, ये है ना मार्कर है, तो अगर आप फील कर पा रहे हो मेरा, इसको देखो, उसको देख के मालूम पड़ेगा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा जोर से दबा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर से, ये लो एक हाथ से तो मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, बट अभी से मुझे तोड़ने के लिए दो हाथ लगाना पड़ेगा, लगाऊंगा नहीं, बहुत महंगा आता है, देखो इंक डाला है अभी इसको। ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा कम स्पेस पे रहते हैं, ये देखो इतने बधे होते हैं कि ये थोड़ा सा ही मूव कर सकते हैं, ये देखो ये सॉलिड के क्या है, ऐसे बाउंडेड होते हैं वो। चल आगे चल के सॉलिड स्टेट आएगा कि आइटम कैसे कंबाइन होते, कौन से स्टेट में लगे रहते, कैसे लगे रहते हैं, है ना। इन आइटम को मैं कैसे रखूंगा, इनमें स्पेस कम आ जाए, देख रहे हो ये स्पेस, अगर देख रहे हो, इनको क्या बोलते हैं, वॉइड, वॉइड बोलते हैं। नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, मारो बोली यार, सुनते जाओ बस, काम की बातें मैं लिखा ही रहा हूँ, टेंशन मतलब काम की बातें मैं लिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो, काम की बातें तो मैं लिखा रहा हूँ ना। चलिए ये क्या हो गया आपका सॉलिड, बड़ा अभी से आइटम छोटे बड़े नहीं होते, मेरे छोटे बड़े हैं,
ठीक है, तो ऐसा होगा सॉलिड, देखो कितना टाइटली बाउंड है। अब बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड आप दबा सकते हो यार, पानी को ऐसा रखो दबा सकते हो, पानी फैल सकता है, यस और? तो पानी का अगर मैं देखूं तो कैसा होगा, मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी रखा हुआ, तो पानी कैसा होगा, पानी की जो आइटम्स होंगे कैसे होंगे? एक ऐसा होगा, एक ठीक है, इतना दूर होगा, इतना दूर होगा, इतना दूर, कुछ तो डिस्टेंस होगी ना मॉलिक्यूल के बीच में, तभी तो फैलेंगे यार, यस और नो, तभी तो मूव कर सकेंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब वही गैस की बात करें, गैस मान लो गैस का कंटेनर है, गैस तो बहुत रिलैक्स आदमी है, बोलेगा ठीक है तू एक यहाँ पे रह ले, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं पास में रह नहीं सकता, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, बस ऐसा। सॉलिड बोलता है बहुत रिलैक्स आदमी है, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, मैंने बड़े दिखाए हैं सिर्फ, ठीक है। सॉलिड बोलता है आई एम वेरी रिलैक्स पर्सन, सो डोंट वरी, हम दूर दूर रहेंगे यार, मस्त मजे से रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है सॉलिड लिक्विड का ये डायग्राम, तो मुझे यही समझाना था मेजरली। अब कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप देख सकते हो भाई कि सॉलिड के बीच में इंटर, अगर ये सॉलिड है तो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वेरी हाई, ये सुन लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि बार बार ये टर्म आ जाएगा आपको तो फिर आप डर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा गैसे स्टेट में आएगा, गैसे स्टेट में एक बार फिर से ही आएगा, थर्ड चैप्टर है इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वेरी हाई ब्रो, वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, इसमें होता है लेकिन इंटरमीडिएट होता है, ना ज़्यादा ना कम, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मीडियम या फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिख दो, चलेगा क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पूरा लिख दो, चलो लिख देते हैं, लिखो ये देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें क्या होता है, होता ही यही है और ना के बराबर होता है, मतलब होता नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट मैंने बोला कि अगर हर गैस के पास जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर ये ना हो सिर्फ आइडियल गैस के पास छोड़ के, अगर रियल रियल गैस में, दो गैस हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे, दो गैस मानेंगे कि आइडियल मानेंगे कि रियल मानेंगे, अगर आइडियल के पास, आप खुद सोचो, अगर गैसों के पास इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो गैसों को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ना, कुछ ना कुछ फोर्स तो होना चाहिए ना दोनों के बीच में, नहीं तो पानी को गैस, गैस से पानी कैसे बनेगा, है ना। तो बट लॉजिकल है लेकिन वेरी स्लो, वेरी लो, वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम है लेकिन है जरूर। चलिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, वेरी हाई, ये सुन लो, लिख दो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितनी है, वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। इंटरमीडिएट, इसमें भी क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटर मतलब बीच का, इंटरमीडिएट वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इंपॉर्टेंट जो अपने काम आ जाएगी, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। डेंसिटी अगर शेप की बात करो तो सॉलिड का शेप और साइज फिक्स होता है, अब ये तो मुझे शर्म आ रही है लिखाने में, लेकिन ठीक है चलो लिखा देते हैं, शेप और साइज फिक्स होता है। अरे यार एक सॉलिड, एक मार्कर है, मार्कर आज यहाँ पे रख दो सेम वही होगा, सबका होगा ना, ये सॉल्व। तो शेप क्या है इसका, फिक्स्ड है, साइज क्या है इसकी, फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड है। चलिए बात करते हैं इसकी लिक्विड के, लिक्विड के शेप फिक्स है क्या, नहीं, यानी अभी बॉटल में तो बॉटल का शेप ले लेगा, लोटा में ले लोगे तो लोटा का शेप ले लेगा, फ्रिज में डाल दोगे तो फ्रिज का शेप, मतलब फ्रिज इन द सेंस कि फ्रिज में जो पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं उस शेप का ले लेगा, जिसमें डालोगे उस शेप का ले लेगा, ये सुनो। तो शेप क्या है, शेप फिक्स नहीं है, साइज फिक्स है, मतलब अरे यार अगर जो आप है कि जाके दुकान से, दुकान से या फिर कहीं से भी, डेयरी से कहीं से दूध लेके आओगे एक लीटर, तो आपके घर पे आके 10 लीटर हो सकता है क्या, नहीं, तो मतलब साइज फिक्स है। तो शेप क्या है आपका, फिक्स्ड है, शेप फिक्स, सॉरी नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, NOT नॉट फिक्स्ड, और साइज क्या है, फिक्स है भाई, 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा, फिक्स्ड है ये, ना 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 ना, नो फिक्स, कुछ दोनों ही फिक्स नहीं है, ठीक है ना। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड, दोनों ही इसके फिक्स्ड नहीं है, गैस ऐसा ही है, दोनों ही इसके फिक्स्ड नहीं है, हाँ दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड।
तो लिख लो इसको, तीन थी प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे फिर से थर्ड चैप्टर गैस स्टेट पूरा डिटेल में आएगा, तो एक दो प्रॉपर्टी नहीं उसमें दस दस प्रॉपर्टी, आठ से नौ दस प्रॉपर्टी जो होगी सारी लिखेंगे, तो अभी टेंशन मत लो इसको, इधर ही से लिख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है आपका सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर सब्सटेंस, ऐसा बोल सकते हो गया। चलो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं इरेज करता हूँ, मैं देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं पीछे हट जाऊँ तो प्रॉपर एक व्यू मिल जाएगा आपको, इसलिए दो चार सेकंड में रुक जाता हूँ, इतना टाइम है मेरे पास कि मैं आपको लिखने को टाइम दूँ, ठीक है ना। चलो चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आप लोग आ जाएंगे पेपर डिस्कशन, मतलब सॉरी होमवर्क डिस्कशन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका सब्सटेंस, आ जाओ देखो सब्सटेंस, यहाँ पे ध्यान दो, कुछ अगर डेफिनेशन होगी तो उधर लिख देंगे सब्सटेंस, एक हो सकता है आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो सकता है आपका मिक्सचर, यस और नो मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप, मतलब प्योर सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट ले लो प्योर होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अरे सर गलत कर रहे हो, कंपाउंड प्योर में नहीं आएगा, कंपाउंड प्योर में क्यों नहीं आएगा सर, डेफिनेशन आपने लिखा था कंपाउंड की, मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई थी, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर कंबाइन करेंगे तब बनेगा। सर देखो ना एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, अच्छा मतलब कंपाउंड को आप मिक्सर में रखना चाहते हो, रुको समझते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। मिक्सर में आपका आ जाता है दो, होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर, ठीक है। मिक्सर में आपका आ जाता है दो, होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो होमोजेनियस मिक्सर, होमो क्योंकि मिक्सर ये सब मुझे लिखाना है अभी, होमोजेनियस मिक्सर और ये आपका आता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। एक सेकंड रुक जाओ, समझाते कंपाउंड प्योर में क्यों आया, हेट्रोजेनियस मिक्सर। अब बताओ कंपाउंड आप बनाते हो क्या, कंपाउंड आप बनाते हो क्या, हाँ क्या बात करो, कंपाउंड आप बनाते हो, NaCl आप फॉर्म कर, आप फॉर्म कर सकते हो क्या, कभी नहीं। NaCl आप फॉर्म नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से, आपको मैं सोडियम दे दूं और बोल दूं कि क्लोरीन है ये लो फॉर्म करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते हो ना, NaCl नहीं कर सकते। और छोड़ दो कर भी लिया तो, जब NaCl कर दोगे फॉर्म आप, ठीक है NaCl आपने फॉर्म कर दिया, हाँ ठीक है कर दिया, फिर NaCl से सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन बहुत बदबू मारता है, क्लोरीन जहरीला होता है जनरली, हाँ मतलब इतना नहीं लेकिन हाँ अच्छा नहीं होता क्लोरीन, क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है बाथरूम में जो डालते हैं यार, कपड़ा वपड़ा साफ कर दो तो बिल्कुल वाइट हो जाता है, जैसे अगर इसमें कहीं दाग लगे नहीं लगा है रेड वेड लगा है तो साफ हो जाता है। तो जब NaCl बनाते हैं उसको हम लोग खाते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, सोडियम क्लोराइड हम लोग खाते हैं। आपको मैं H2 गैस दे दूं और ऑक्सीजन गैस दे दूं, बोलो पानी बना के दिखाओ, कहने का मतलब है कंपाउंड पहली बात तो हम लोग बनाते नहीं है, कंपाउंड हम लोग बनाते ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी बात, दूसरी क्या है, दूसरी ये है, आप ये बताओ कंपाउंड जब बनता है तो वो एक्चुअल एलिमेंट जैसा होता है क्या, नहीं। NaCl की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसका खुद का बॉइलिंग पॉइंट है, खुद का उसका मेल्टिंग पॉइंट है, खुद का स्ट्रक्चर है अपना, खुद की हाइब्रिडाइजेशन है, खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसको मैं प्योर कंपाउंड क्यों ना मानूं, उसको मैं प्योर क्यों ना मानूं, उसका खुद का सब कुछ अपने पास है ना, वो प्योर कैसे नहीं हुआ, है ना, ठीक बोल रहे ना भाई। अरे यार कोई भी चीज़ लो प्योर कब कैसे मानी जाएगी सर, लेकिन फिर से तो आप अगर होमोजेनियस मिक्सर आप बनाओगे तो वो भी तो प्योर माना जाएगा। होमोजेनियस मिक्सर मतलब क्या हुआ, अल्कोहल प्लस वाटर ले लो, अल्कोहल प्लस वाटर ले लो, मिक्स कर दो, अल्कोहल प्लस वाटर मिक्स करने के बाद उसमें अल्कोहल का भी टेस्ट आता है, वाटर का भी टेस्ट आता है, ठीक है। पानी प्लस नींबू ले लो सर, वो होमोजेनियस मिक्सर है, हाँ है, तो अगर वो होमोजेनियस मिक्सर है, हाँ है, तो सर उसमें तो, हाँ तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, उसमें एसिड का भी टेस्ट आता है और उसमें मतलब नींबू का भी टेस्ट आता है। अगर आपको मैं नींबू पानी दे दूं, ना बोलो कि नींबू पानी नहीं है, तो भी आप पियोगे तो बोलोगे भाई ये तो नींबू पानी है, अंधे आदमी को अगर नींबू पानी दोगे तो वो बोलेगा नींबू पानी दिए हुआ। लेकिन वहीं पे मैं आपको नमक दे दूं, बोलो कि मुझे सोडियम निकाल के दो, नमक दे दूं बोलो सोडियम है, गांव वाले से पूछ लो, जो मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गांव में है या शहर में जो पढ़े लिखे हैं उनसे आप पूछ लो कि भाई NaCl नमक में सोडियम होता है, भले बोलेंगे सोडियम है क्या, यस और नो,
ठीक बोल रहे हो। तो कंपाउंड क्या है आपका, आपका प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता दिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको नमक पानी दे दूं, नाक में पानी डाल के दे दूं, तो बड़ा अभी से कोई भी समझ जाएगा, जो अंधा होगा, जो जिसको नहीं दिखता है, जो भगवान ने उनको ऐसा बना दिया है, कुछ तो भगवान की लीला रही होगी जो उन्होंने बना दिया है, इनको नहीं दिखता, इनको सुनाई नहीं देता, जो फील नहीं कर सकते, वो भी बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर नमक, इस पानी के अंदर नमक डाला है, यस और नो। वहीं पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे दूँ, CaCO3, चूना चूना यार, जो जिससे हम लोग ये खाते हैं, ये जो गांव वाले खाते हैं। अब उसमें आप मुझे कैल्शियम निकाल के दिखाओ, अब मुझे आपको कैल्शियम निकाल के दिखाओ। कैल्शियम तो हड्डी में होता है, फिर चूना तो बॉडी के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो खारा होता है, मतलब नहीं होता अच्छा, किसी किसी का मुँह जल जाता है। बल्कि दांतों में कैल्शियम तो होता ही है, दांतों में कैल्शियम तो होता ही है, फिर अब बोलो, है ना। तो जो कंपाउंड बनता है वो एक्चुअल एलिमेंट से बहुत ज़्यादा पूरी तरह से ही डिफरेंट होता है। एक्चुअल एलिमेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टी, उसका अपना अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो कंपाउंड है उसकी अलग प्रॉपर्टी, उसका अलग स्ट्रक्चर है। इसलिए कंपाउंड किस में आता है, प्योर सब्सटेंस में आता है। ये डाउट मुझे था बचपन जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे डाउट था कि भाई कंपाउंड तो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन मुझे धीरे धीरे डाउट क्लियर हुआ, तो इसलिए मैं आपको सोचता हूं कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूं कि भाई कंपाउंड ही क्यों होता है, ठीक है ना। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हो होमोजेनियस मिक्सर की, मैंने तो एक्सप्लेन कर भी दिया है, कि फिर से मैं लिखा देता हूं होमोजेनियस मिक्सर। एक्सप्लेन मतलब बताया ना, अभी दो चार एग्जांपल हुए, लिखाएंगे, डोंट वरी। होमोजीनियस मिक्सचर, ये फिर से आएगा आपका कहाँ पे, ये फिर से आपका आ जाएगा होमोजीनियस रिएक्शन करके इसका नाम होगा, तो आपको फिर से आएगा कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो आपका थर्ड या फोर्थ चैप्टर होगा। चलो होमोजीनियस मिक्सर, अभी होमोजेनियस मिक्सर मतलब क्या है, देखो वो मिक्सचर जिसको आप देख के नहीं बता सकते कि भाई इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। मैं आपको नमक पानी प्लस नींबू, मैं आपको वाटर, वाटर प्लस NaCl मतलब नमक, सॉल्ट प्लस लेमन, ये मिक्स करके दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर क्या क्या डाला है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप देख के बता सको विदाउट टेस्ट किए, विदाउट टेस्ट किए। टेस्ट आप तो एक प्रोसेस में जा रहे हो ना, सिर्फ देख के नहीं बता रहे, फिजिकली आप बाय आई से नहीं बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको दूध दे दूँ, उसमें पानी डाल दूँ, आप नहीं बता सकते कि दूध के अंदर पानी, जब पियोगे तो पंचसुधा जैसा लगेगा, तब पानी और उसका टेस्ट आ जाएगा, तो अलग प्रोसेस होगी। आप जिसको देख के नहीं बता सको कि भाई तेरे अंदर है कि नहीं है कुछ, ये सुनो, तो होमोजीनियस मिक्सर हो गया। तो मिक्सर इन विच कंपाउंड आर मिक्स प्योरली होमोजीन, होमो मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसा मिक्स हो जाए, ऐसे कि बिल्कुल उसी के जैसा हो जाए, उसी के जैसा बिल्कुल सिमिलर हो जाए। अगर आपको मालूम होगा तो इंडिया के एक पैरा कमांडो हैं, वो पाकिस्तान में जाके वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप के साथ ऐसा इस तरह से मिल गए थे कि कोई पहचान नहीं पाया था। वो जो होते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको यार, जो एजेंट लोग होते हैं ना, जो वहाँ की जाके देख रहे, वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा चल रहा है, यस और नो, फिर यहाँ पे खबर देते, तो पैरा कमांडो ही होता है जनरली। पैरा कमांडो मतलब बहुत सही होते हैं लोग, है ना। तो ऐसे कि मिल जाना कि बिल्कुल पहचान में, तो वो मतलब होमो मतलब क्या, ऐसे होमोजीनियस मिक्सर, ऐसे मिल जाना कि उसी के जैसा बन जाना। एक कोई गाना है हम मिल गए कुछ, तो एक गाना है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सर की डिफिनेशन क्या होगी, मिक्सर इन विच कंपोनेंट मिक्स कंप्लीटली, है ना। एग्जाम्पल आपका NaCl वाटर, कुछ भी ले सकते हो, इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, बट हाँ देख तो नहीं सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सर, नेक्स्ट क्या है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रो को देख के ही समझ गए होगे कि हेट्रो मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल दूँ पानी में जीरा जल, डाल दूँ जीरा जल पानी में, नींबू पानी के साथ जीरा जल डाल दूँ, जीरा जल, या फिर पत्थर डाल दूँ, या फिर बालू डाल दूँ, बालू रेत, या फिर ग्रेन्स डाल दूँ, चावल के दाने डाल दूँ, तो बड़ा भी साहब देख के पहचान जो भाई चावल के दाने डाला है रे इसमें, नहीं पीना है, कचरा डाल दूँ, नहीं पीना है, पानी खराब है, या सुन पानी से ज़्यादा है, पानी कहाँ रखे भाई, उधर पानी रखे, पानी पीना पड़ेगा जब किसी चीज़ को याद करो तो फिर पीना पड़ता है, पानी पीना पड़ेगा। होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है, लिख लेते हैं फिर पीते हैं, फिर इसके बाद डिस्कशन ही करना है तो फटाफट हो जाएगा। चलो होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है ना, सॉरी हेट्रो, इन विच कंपोनेंट आर नॉट मिक्स प्योरली, मिक्सचर इन विच
कंपोनेंट कंपोनेंट नॉट मिक्स प्योरली कंप्लीटली या फिर प्योरली नॉट मिक्सर इन बीच कंपोनेंट नॉट मिक्सड कंप्लीटली पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे है ना। इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है ना, आप आँख से देख सकते हैं इंजन नेकेड आई, यू कैन एबल टू सी बाय नेकेड आई, मतलब खुली आँख से आप देख सकते हैं, यू कैन सी बाय नेकेड आई, नेकेड आई मतलब पूरे कंपोनेंट को आप नेकेड आई से देख सकते हो। ठीक है, इसको लिख लो, मैं थोड़ा पानी पी लो, अब नाम याद किया तो पीना ही पड़ेगा भाई। यस और नो, चलो तो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा है ना, आप लोग भी पानी पी लो यार है ना, मैंने पानी का नाम लिया है तो आप लोग पी सकते हो पानी। ठीक है, जैसे किसी को खुजली का नाम लो तो बट वैसे वो खुजली करता ही करता है ना, जैसे मुझे खुजली होने लगी है ना, तो वैसे कुछ चीज़ें हैं जो होता है, जैसे किसी को बोलो खांसना मत, किसी को बोलते हैं रोना मत ना, बहुत सारी प्रोसेस तो बट वैसे आ जाता है। चलो तो ये तो हो गया पूरा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एलिमेंट और कंपाउंड, इसकी मैंने डेफिनेशन तो पहले लिखा दिया सोनू, इन दोनों की डेफिनेशन मैंने पहले लिखा दी है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग है आपकी होमवर्क डिस्कशन, वो रेगुलर कर देते हैं तो लास्ट में क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो मैं अच्छे से करा नहीं पाऊंगा और फिर इरिटेट हो जाऊंगा, तो मैं रेगुलर ही अपना होमवर्क करते चलता हूँ। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि जब भी आप लेक्चर देखो, जब भी आप लेक्चर देखो तो होमवर्क कर दो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो नैतिक जिम्मेदारी से हटता है तो उसका भला कभी नहीं होता, तो आप नैतिक जिम्मेदारी से पीछे आपको हटना नहीं है। ठीक है ना, चलो तो खोल लो भाई असाइनमेंट, सब लोग खोलो, आ जाओ सब लोग अपना अपना असाइनमेंट खोल लो। चलो चलिए सर खोल लो असाइनमेंट, में भी देख लो तो कहाँ पे रखा है क्या मेरे मोबाइल में। ठीक है ना, चलो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मिल जाए मुझे भी कहाँ है भाई। खोलो भाई, कहाँ गया कहाँ गया, मोल कॉन्सेप्ट, हाँ ये रहा, वही पीडीएफ जो मैंने आपको दिया वही पीडीएफ है मेरे पास भी, ये देखो वही पीडीएफ है। ठीक है ना, आई थिंक दिख ही रहा होगा आपको, सेम पीडीएफ है। चलो खोल लो आप लोग वही पीडीएफ, चलो खोल लिया। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने बताया था कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एटीएम नहीं होती, पास्कल होती है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ जो प्रेशर होती है मैंने आपको बताया था कि एटीएम नहीं होती, हम लोग एटीएम यूज करते हैं क्योंकि पास्कल बहुत बड़ी यूनिट है। वन एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1.0325 × 10⁵ पास्कल होता है, इतनी बड़ी है, वन एटीएम कितना हो जाता है, तो हम लोग एटीएम ही यूज कर लेते हैं ना, अपने जो सरफेस पे होता है अपने मतलब ऊपर जो होता है वन एटीएम का प्रेशर लगता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या होता है प्रेशर हम लोग के ऊपर बढ़ता जाता है, ऐसा होना, इसलिए हम लोग नीचे ज़्यादा नहीं जा सकते नहीं तो फट जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सी लेवल प्रेशर, तो यहाँ पे आपका देखो इसका आंसर दो हो सकता है, एक तो 10⁵ पास्कल, क्यों देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका आंसर दो दिया जा सकता है, यहाँ पे 760 ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा करेक्ट 760 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से ध्यान दो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल क्या होता है, 1 atm होता है, यस और नो, 1 atm होता है, और 1 atm जो होता है 760 mm ऑफ एच जी होता है। अरे हाँ या ना, मैंने कन्वर्जन लिखाया था, बुक खोल के देखो कन्वर्जन मैंने लिखाया था, यस और नो, अरे हाँ या ना, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, हाँ लिखाए तो थे, और बताओ ये भी तो मैंने लिखा था कि 1.0325 × 10⁵। मान लो मैं इसको पूरा वन मान लो, मान सकते हैं कि जीरो है तो क्या आ गया आपका, 1 atm इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, यस और नो, यहाँ से पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। इस मैंने आप अब अभी बताया आपको सी के वाटर लेवल पे, मतलब सी के वाटर लेवल या फिर अभी अभी मेरे यहाँ पे 1 atm प्रेशर लग रहा है अभी के प्रेजेंट में। ठीक है, 1 atm प्रेशर लग रहा है, ठीक है 1 atm प्रेशर है, हर सी लेवल पे भी 1 atm प्रेशर रहता है। ओके, तो 1 atm मतलब होता है कितना, 760 mm ऑफ एच जी, 760 1 atm इज इक्वल टू 10⁵। फिर से बता रहा हूँ एक बार फिर से, सी लेवल, सी के वाटर लेवल पे, सी लेवल पे 1 atm प्रेशर होता है। ठीक है, याद रखना सी लेवल पे 1 atm प्रेशर होता है। ओके, मस्ट बी रिमेम्बर, आपको याद होना चाहिए। चलो इसका ऑप्शन पहला भी करेक्ट हो सकता है, अगर 760 mm ऑफ एच जी नहीं दिया होता, 760 mm ऑफ एच जी नहीं दिया होता तो मैं पहले वाले के साथ जाता। ओके, द प्रेशर ऑफ गैस इज 2 atm, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ मिलीमीटर मर्क्यूरी, मतलब mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी में कितना ये होगा, mm ऑफ एच जी में कितना प्रेशर होगा, मुझे क्या दिया है प्रेशर, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे 2.5 atm दिया हुआ है, 2.5 atm, ठीक है,
मुझसे किस में पूछा है, मुझसे पूछा है इसका कि एच जी में कितना होगा, एम एम ऑफ एच जी में कितना होगा, ठीक है, एम एम ऑफ एच जी में कितना होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आप इसको निकालने का मेथड देख लो भाई, ध्यान दो यहाँ पे, देखो क्या करो, ऐसा लिख सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम है तो ऐसा कर सकते हो, 180 में इक्वल्स टू कितना होता है 760 mm ऑफ एच जी, 180 में इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एच जी, बताओ 2.5 atm कितना होगा, 2.5 atm कितना होगा, ये हो जाएगा सर आपका x mm ऑफ एच जी, अब आपको x ही तो निकालना है, तो x कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 760, ये आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो भी आता है, बट अब इसे 1500 से ज़्यादा ही आएगा, दूसरा दूसरा दिमाग लगाओ यार, 180 में इक्वल्स टू 760 तो इससे मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना, चलो थर्ड 1.5 एटीएम कितना होगा, सेम मेथड है, किलो पास्कल में चाहिए उसको, यस और नो, कितना होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान दो यहाँ पे, बताओ जरा 180 इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल, हाउ मच पास्कल, 180 इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल, कितना पास्कल होता है सर, 180 इक्वल्स टू, बोलो अभी मैंने बताया था, चलो बोलते चलो साथ साथ में बोलते चलो, ऐसे नहीं चलेगा, याद करना है सर, वो जो लिखा है टेबल देखने के लिए नहीं लिखा है, उसको देख लो, स्कैन कर लो, बिल्कुल दिमाग में छाप लो उसकी फोटो, 180 इक्वल टू कितना, 1.0325 पास्कल, मतलब 10^5 पास्कल, ठीक है, अब इसको किलो पास्कल लिख सकता हूँ ऐसे, 180 इक्वल टू 1.0325 इंटू 10^2 किलो पास, 10^2 किलो पास्कल है ना, 10^3 लेके किलो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है, तो 1.5 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू 1.0325 इंटू 10^2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 150 किलो पास्कल, इसको उसने 1 मान लिया तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, 1 मान लेते, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ 760 mm 750 है, तो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ किसमें, क्या बोले भाई, द प्रेस 760 देन व्हाट इज द एटीएम, आपको एटीएम में पूछा, ठीक है ना, किसमें, एटीएम में, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, पांचवा देखो, चलो 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 भाई पीडीएफ खोल लो भाई, पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है भाई, जिसको लगता है पीडीएफ नहीं दिया गलत है, वीडियो में एक होता है डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाओ, पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है, जिसको वहां भी नहीं मिलता टेलीग्राम ग्रुप में जाओ भाई, वहां पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा आसान है कि नहीं है, देखो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा आसान है कि नहीं है, क्लिक करो, कोई लिंक मतलब कुछ नहीं है, फालतू चीज़ है नहीं वहाँ पे, डायरेक्ट जाओ गूगल ड्राइव में, 2 सेकंड में खुल जाएगा, डाउनलोड है, आराम से डाउनलोड कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मैंने आपके लिए खोल रखे हैं, ठीक है, सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा नहीं सकता, लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, टोटल नहीं है तो भी 40-50 क्वेश्चन है, सारे ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्रेशर ऑफ गैस इज 750 mm ऑफ एच जी, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि 1 atm = कितना होता है, 1 atm = होता है 760 mm ऑफ एच जी, तो x atm में हो रहा है आपको कितना 750 mm ऑफ एच जी, क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब दोनों को वो कर दो, तो आपका x कितना आ जाएगा 750/760, ये आपका x आ गया, इसका आंसर फाइनल कितना जाएगा 0.97, बट ऑब्वियसली व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपकी केल्विन है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपकी केल्विन है भाई, इसको मैं क्या बताऊं, बताते हुए मैं शर्मा जाऊंगा, ठीक है, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 100°C, यस और नो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100°C है, मुझे बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना, यस और नो, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट हो गया, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बॉइलिंग और फ्रीजिंग पूछे आप जानते हो, 9th कन्वर्जन है किससे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो अगर मुझे इसमें दिया तो क्या करो, के प्लस 273.5, अब उसने अगर 15 दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो और अच्छी बात है, अगर मुझे कोई वैल्यू केल्विन में दी है और मुझे सेंटीमीटर में जाना है, डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे जिसमें केल्विन पूछा हुआ है, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10th है, 9th देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कन्वर्जेशन फैक्टर ऑफ कन्वर्टिंग द सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन जाना है ना, सेल्सियस से केल्विन, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, C-273.15, ये लो, ठीक है, पक्का,
नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया। अब क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो किसमें कन्वर्ट करना है, 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री से किसमें जाना है, डिग्री में दिया है, किसमें जाना है मुझे, केल्विन में, यस और नो। आपको टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पीडीएफ खोल लो भाई, पीडीएफ यूट्यूब के मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लो पीडीएफ और ओपन कर लो किसी मोबाइल में, या फिर प्रिंट निकाल लो, दो चार रुपए लग जाएंगे तो निकाल लो प्लीज। टेम्परेचर ऑफ गैस इज 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ गैस इज 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, 220 डिग्री दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, 20 प्लस 273.15 है ना, तो ये हो गया आपका केल्विन में, देखो ये आपका आ जाएगा कितना, 293.15, बड़ा वैसे कोई 15 लेता नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअल में कितना होता है 273.15। ओके नेक्स्ट है आपका 500 केल्विन, केल्विन से किसमें जाना है आपको, 500 केल्विन है कितना है, 500 केल्विन है कितना है, 500 केल्विन है कितना, केल्विन है 500 डिग्री सेल्सियस में जाना, क्या करोगे 500 माइनस 273.15, यस और नो, 273.15 कितना हो जाएगा आपका, ये 233 हो जाएगा, 233 होगा ना ये, हाँ 233, 500 माइनस आपका 233, 233 227 होगा, सॉरी है ना, माइनस करो तो 227 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखो, माइनस 43 डिग्री सेल्सियस दिया है, माइनस 43 दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे 200 माइनस 47 प्लस 273.15 ऐड कर दो भाई, इतना ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आपका 233.1 इतना आ रहा है, ठीक है। 13 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, फिर से बता रहा हूँ, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर नहीं होती, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर नहीं होती, क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब इज वेरी बिग यूनिट, मीटर क्यूब बहुत बड़ी यूनिट है, अभी आपको देख कर मालूम पड़ जाएगा, मीटर क्यूब बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, मीटर क्यूब बहुत बड़ी, अभी मैं आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा देख लोगे आप, ठीक है ना, मिल जाएगा, ये क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5th के बाद 6th मतलब यूनिट वाले होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, 10 9 10 11 12 13 इतने तक के सॉल्यूशन देख लो, देख लिया, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो एसएस ले लो ना आप लोग, चले क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं सर, जब भी नीड होगा तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो आप लोग, चलो चलो बोले एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, क्या क्या क्या, पास्कल है ना, यस और नो, है ना, याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होती है ना कि एटीएम होती है, ओके, और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होती है लीटर नहीं होती, मीटर क्यूब होती है, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ लीटर टू क्यूब मीटर, है ना, लीटर टू क्यूब, ये मैंने लिखाया नहीं है, लेकिन ये तो मैंने लिखाया था ना, क्या ये तो मैंने आपको लिखा दिया था ना कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब, ये मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, हाँ, अब बताओ 1 लीटर इज इक्वल्स टू ये 10^3 लिखा है, और ये लिखा है आपका 10^-2 10^-2 द होल क्यूब इंटू मीटर क्यूब, अब बताओ 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होगी, क्वेश्चन नंबर है आपका, एक सेकंड रुक जाओ, 15 है, ठीक है, मैं लिखा नहीं गलत बात, 15, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10^3 इंटू 10^-6 मीटर क्यूब, अब बताओ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10^-3 मीटर क्यूब, ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है, तो अब आप देख लो भाई 15 का क्या होगा, फिर मिली लीटर टू लीटर आप खुद बता लो भाई, 10^-3 वाला रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यस और नो, 16 कर लोगे, 15, 27 क्यूब टू मिली लीटर, देखो मिली लीटर, अब ध्यान दो जरा आप यहाँ पे, 1 मिली लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों मतलब दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर 20 cm³ इज इक्वल्स टू 27 ml, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27 ml, ओके। नेक्स्ट दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों कैसे, अरे भाई 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 cm³ है, अब मैं इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसे मतलब लिख दूँ,
वन इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री और प्लस थ्री लिख दूं, और ये थाउजेंड सी एम क्यूब रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। अब बताओ ये थाउजेंड कैंसिल, ये कितना हो गया आपका वन मिली लीटर, इसका मतलब होता है मिली लीटर, और ये हो गया आपका सी एम क्यूब, ये लो वन सी एम क्यूब इक्वल्स टू मिली लीटर, ठीक है ना। चलो तो ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 वन क्यूब मीटर इज द वॉट इज द, अभी मैंने बताया आपको थाउजेंड होता है ना, वन लीटर इज इक्वल्स टू 10,000 आपका वन क्यूबिक मीटर, हाँ मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पी डी एफ क्वेश्चन नंबर 19 0.00450, बताओ जरा कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तीन होंगे सर, कितने थ्री ओके। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 10.0004, क्वेश्चन नंबर 20 10.00 कितने होंगे 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, आंसर इज 4। 21 102500 कितने होंगे 1 2 3 4, दो जीरो नहीं होंगे, फिर से बता रहा हूँ दो जीरो नहीं होंगे, ये दो अगर डेसिमल लगा होता तब तो बात ही अलग होती, लेकिन डेसिमल नहीं है तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22 यहाँ पर ध्यान दो 22 के लिए 22 ध्यान दो भाई, पीडीएफ फिर से बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 22 से कराने से पहले फिर से सुनो, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो, डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो, नहीं किया तो अभी सॉल्व कर लो, ठीक है। 22 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन राउंड ऑफ, ये आपको दिया 6.25 प्लस 3.75, जनरली ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं डिवाइड बाय 2.5, यह कितना लिखा है आपका 10/2.5, ये आपका 10 लिखा हुआ है, ठीक है 10 डिवाइड बाय 2.5, मतलब आपका ये कितना लिखा है, ये लिखा है आपका 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यस और नो 1, इसका आंसर 3 दिया है, बहुत गलत दिया है, इसको शर्म नहीं आई है, यस और नो, इसको ऐड करोगे तो आपको 6 3 9 75 2 5, तो 25 4 100, हाँ इसका आंसर रॉन्ग है भाई, 22 में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, 22 का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, फिर से सुनो इसका आंसर है SF, सिग्निफिकेंट फिगर लिख देते भाई, सिग्निफिकेंट फिगर 1 दिया है, लिख देते हैं यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, 22 का आंसर रॉन्ग दिया है, 22 का आंसर रॉन्ग दिया है, जिन्होंने करेक्ट किया तो आई एम प्राउड ऑफ यू, 22 का आंसर WRONG रॉन्ग दिया है, रॉन्ग दिया है, याद रखें 23 का आंसर रॉन्ग दिया है, ठीक है। चलो 23 7.8 × 5.222, ठीक है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आपको आता है 40. मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, इसका आंसर आपको 14 आता है 41 के आसपास कुछ आता है 41.119, ठीक है इसका आंसर मान लो ये आता है 14.19, मुझे आता नहीं लेकिन हाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे जहाँ तक मेरा मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है कि इसका 41.19 आएगा, ठीक है ना 41.9 आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके जब मोबाइल हाथ में तो डरने वाली क्या बात है, कल से तो अपने हाथ में है ना, चलिए 7.8 अब कौन करे यार मल्टीप्लाई बोर्ड में ये फालतू में, ये आपका आ रहा है 40.716, ठीक है 14.716, इसमें क्या बोला है आपको कि क्वेश्चन नंबर 23 आप रीड करो, क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर जो होगा 41 होगा, इसका आंसर जो होगा, क्यों मैंने बताया ना, देखो ना 7 है मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, जस्ट उसके बाद का नंबर देखो 7 क्या है, 5 से बड़ा है छोटा है, 7 5 से बड़ा है कि छोटा है, सर 7 5 से बड़ा है, 7 क्या करेगा एक इसको 1 दे देगा, तो कितना बन जाएगा 41, तो इसका फाइनल आंसर 41 आएगा, यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया है सर, 23 का भी आंसर रॉन्ग है,
23 का भी आंसर रॉन्ग है, फिर से बता रहे 23 का भी आंसर रॉन्ग है, तो करने में परेशान मत हो, मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी दूंगा तो आंसर चेक करके दूंगा, डोंट वरी। 23 का भी आंसर रॉन्ग है, 23 का भी आंसर रॉन्ग है, ठीक है ध्यान दे, 23 का भी आंसर रॉन्ग है। चलो 24 देखते हैं, शायद इसका सही हो जाए। 24 देखो, 24 देखो, 6 डिवाइड बाय 2.4, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाता है 2.5, तो आपको क्या बोला है, राउंड ऑफ वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर तो इसका आंसर ही नहीं दिया है, इसका यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया है, वन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में करोगे तो इसको आपको 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा है, 3 लिखना पड़ेगा इसको अगर आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है, ठीक है ना, छोड़ो जान दो और क्या कर सकते इसमें। चलो तो नेक्स्ट है आपका 25th, आ जाओ 25th देखो। चलो 25th देखो भाई, आ जाओ यार, PDF खोल लो मेरे भाई प्लीज़, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं देखोगे, प्लीज़ देखो यार। 0.65 मेरे साथ आप भी मल्टीप्लाई करो, चलो 0.065 इंटू कितना भाई, 2.72.7 डिवाइड बाय 0.003। क्वेश्चन नंबर 55 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन नंबर 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 58.5। क्वेश्चन में क्या बोला है कि राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 है ये, तो मैं इसका ओवरऑल 59 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दिया तो ठीक है, 59 का 60 चलता है, 59 का 60 चल सकता है, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया, मान लो आपका नसीब ही ज़्यादा ख़राब है और मेरा जो क्वेश्चन दिया उसका लक ज़्यादा अच्छा है, और इसमें आपका आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा है और ऑप्शन भी यही दिया है, तो 60 इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, 60 इसका आंसर करेक्ट हो सकता है, याद रखना करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 59 है तो ज़्यादा करेक्ट 59 ही होगा, मस्ट रिमेंबर मेरे भाई, याद रख लो, ठीक है ना। चलो 26 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, तो आप देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो आपका 3 डिवाइड बाय 2.5 ही करना है, तो आपका 2.20 आता है आंसर, इसका करेक्ट है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, 26 नहीं करा रहा हूं मैं, आप लोग खुद से कर लो, 26 आप लोग खुद से कर लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्ट 2.5 से मीटर टू सेंटीमीटर, क्या करना पड़ेगा, मैंने कैसे बताया था, देखो यहाँ पे 26 के बाद, सॉरी 27 देखो, यहाँ पे 27 देखो, चलो यहाँ पे 27 देखो, 27 रीड करो, 27 देखो, यहाँ पे 27 देखो, चलो 2.5 मीटर है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें, सेंटी में, 2.5 सेंटी मतलब कितना होता है, सेंटी मतलब 10^-2, तो क्या करो 10^-2 करो, माइनस 2 किया तो 10^+2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका, ये बन गया आपका सेंटी, तो ये कितना होगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका रॉन्ग दिया है, 200 नहीं सही दिया भाई, 250 सेंटीमीटर सही दिया है। चलो 500 मिलीग्राम्स टू ग्राम, मिली मतलब कितना होता है, मिली मतलब 10^-3, कितना हो जाएगा आपका 500 मतलब 0. सही दिया है भाई, यहाँ पे भी सही दिया है, 28 का सही है। चलो नेक्स्ट 3. किलो से मीटर, 10^3 कर दो, कितना हो जाएगा आपका 3400 आना चाहिए, तो ये रॉन्ग दिया हुआ है, 3400 आना चाहिए, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, फिर से याद रखो 29 देखो यहाँ पे 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 29 PDF खोलो अपना, चलो PDF आपको दिया है भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, जाके डाउनलोड कर लो, होमवर्क लेक्चर नंबर 1 का बेस ऑन होमवर्क है। 29 देखो, 29 का आंसर है ए, 29 का आंसर होगा ए, होगो ए, 29 का आंसर होगे होगो होगो हाँ होगो वन ए, ठीक है ना। चलो 2.0L to mL कन्वर्ट कर सकते हो, अभी हम लोग ने कर लिया इसको, 0.25 ग्राम 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, सेंटीमीटर टू मीटर कर सकते हो, नैनोमीटर वाला भी कर सकते हो आप, 100° फ़ारेनहाइट ये वाला करते हैं, 34 थोड़ा अच्छा है, 34 और आप सारे कर सकते हो भाई, आप सारे कन्वर्जन कर सकते हो, है ना, प्लीज़ करो करो मेरे भाई करो। चलो मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा, बड़ा अभी से वही क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि नहीं कर पाओगे आप, हाँ लेकिन डिस्कशन करना जरूरी है ताकि आप लोग का मोटिवेशन बन रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 34
34 में आप एक टेबल भूलना नहीं भाई, सी जीरो अपॉन 100 इज इक्वल टू, इधर बोलो कितना था भाई, इधर कितना था के माइनस 273.5 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है 15 नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32, 5/9 एफ माइनस 32/100, ये कन्वर्जन याद रख लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे टेम्परेचर के, टेम्परेचर के ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, याद रखना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो बस बस फंस जाओगे। तो किसमें दिए, 100 डिग्री से सेल्सियस में जाना है, तो इसको लिखो सी बाय 100 इज इक्वल टू 5/9 माइनस एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 100, 100 100 कैसे, तो सी ऑलरेडी 100 दिए, तो 100 इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 20, है ना, 29 जा कितना होता है 20 नहीं है 180 होता है, 180 प्लस 32, 180 प्लस 32 तो 20, 112 यस और नो, 180 प्लस 32 दैट इज 212 फ़ारेनहाइट, दैट इज आंसर बी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था भाई। अभी देखो 25 माइल्स, माइल्स मैंने नहीं बताया आपको, तो मैं माइल्स आपको बता देता हूँ, मैंने कन्वर्जन में नहीं बताया है माइल्स को, कि माइल्स को कितना किलोग्राम होता है, देखो जरा 35 देखो 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखो, मैंने नहीं बताया माइल्स का, 35 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 35 आ जाओ, 1 माइल्स इज इक्वल टू होता है 1 माइल्स, माइल्स किलो से बड़ा होता है, ठीक है ना, किलोमीटर से बड़ा हो, 1 माइल्स इज इक्वल टू आपका होता है 1.60125 किलो के आसपास होता है, किलोमीटर के, ठीक है ना, इसके आसपास होता है, किलोमीटर के आसपास होता है, ओके इतना ये कन्वर्जन है। आपको क्या चाहिए, 22 माइल्स किलोमीटर, 22 माइल्स है सुनो, तो 22 माइल्स हाउ मच किलोमीटर, इसको एक्स मान लो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 × 1.6, इतना ही आपको लेके चलना है, 1.6 ही मानना है, ठीक है ना, इसको 1.6, तो आगे आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट 100 जूल टू किलो जूल, बड़ा वैसे किलो 100 जूल से किलो जूल, तो 10^3 से मल्टीप्लाई करो, 10^-3 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है ना, पक्का। तो ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, ये 35 है, ठीक है ना, चलो तो लिख लो भाई दो क्वेश्चन लास्ट के, चलिए हो गया लिख लिया, तो आ जाओ। तो हम लोग ने अपना होमवर्क भी डिस्कशन कर लिया, आज के लेक्चर का होमवर्क भी रहेगा, लेकिन आज के लेक्चर में जो रहेगा वो थर्ड लेक्चर का भी होमवर्क इंक्लूड रहेगा जिसमें, क्योंकि आज हम लोग ने पढ़ाई किया है, मेजर भी हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा, तो कल के लेक्चर में होमवर्क डिस्कशन नहीं करूँगा, कल के लेक्चर में होमवर्क डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि मैं आज का होमवर्क दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ लास्ट में जाते समय होमवर्क के बारे में बोलता हूँ कि कल का जो होमवर्क होगा उसमें इंक्लूड होगा क्या, उसमें इंक्लूड होगा आपका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, ओके बाय, थैंक यू।